आसनसोल में आए दिन मिनी बस और ऑटो चालकों के बीच विवाद देखा जा रहा है। शिल्पांचल में यह आम बात हो गई है, लेकिन सोमवार की सुबह ऑटो चालकों और मिनी बस चालक के बीच हुए विवाद तथा मारपीट के बाद मिनी बस चालकों ने बसों को सिटी बस स्टैंड में खड़ा कर दिया और करीब ढाई घंटे तक परिसेवा को ठप कर हाटन रोड समीप सिटी बस स्टैंड के मुख्य सड़क पर जाम किया। मिनी चालकों के इस विरोध के कारण काफी देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने काफी देर तक चालकों को समझाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और ढाई घंटे के बाद मिनी बस की परिसेवा आरंभ हो पाई। मिनी बस चालकों का कहना है कि सोमवार सुबह ऑटो चालक और उनके बीच विवाद और मारपीट हुई थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लेकिन ऑटो चालकों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। बस व मिनी बस मालिकों ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे ऑटो चालकों के कहने पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत ऑटो चालकों के साथ है। हम लोग ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो बोलेंगे यही बोलेंगे। अभी जो आप बोले कि मंत्री साहब का जिस पे नारा लगा, मंत्री साहब बोलेंगे, हम लोग आज के न्याय का बात सुनेंगे, आज के देखे ब्लॉक प्रेसिडेंट का बात सुनेंगे, जो इन लोग सिद्धांत लेंगे। हमें तो ऊपर कथा बोलना नहीं, आज के दिन आए इन लोग काल के सब तसल्लुक पास चलावा जो ना हमारा रिक्वेस्ट करे जे आज के हमारा काल के प्रशासन हमारे ओसी साहब के चेम्बरे দুজন বাস মালিক দুজন দুজন তোমার কর্মচারী বাসের আমরা থাকবো, ওসি সাহেব থাকবেন, অটো দুজন থাকবেন, ওসে একটা ফয়সলা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং ইমিডিয়েট যাতে আজকে বাস টেম্পুটা চালু হয়। আজকের দিনটা খালি আমরা ওদের কাছে সময় চেয়ে নিচ্ছি যে আজকে যাতে চালু হয়ে যায়। আজকে কি হয়েছে হঠাৎ এরকম? হঠাৎ ওই প্রায়ই লেগে থাকে, বাস অটো আগে যাওয়া নিয়ে পিছনে যাওয়া নিয়ে বাসের আগে যাওয়া নিয়ে প্রায়ই হয়। আমাদের শহরটা তো আসলে এইটুকু, এইখানে আমাদের অসুবিধা, এত ছোট শহরে এত গাড়ি এত ইয়ে, আমরা তো কাউকে বারণ করতে পারি না, তো সেই নিয়ে ওদের প্রত্যেক দিন প্রায়ই লেগে যায়। আবার নিজেদের মধ্যে বসে আমরা ঠিক করে নেব।